नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आज हम लोग जानेंगे, एक भाई ने कमेंट किया था, एक मित्र ने कमेंट किया था, एक दोस्त ने कमेंट किया था कि स्टेरिंग फेल होने का कारण बताइए। तो जनरली स्टेरिंग वैसा नहीं होता है कि ब्रेक फेल जैसा होता है वैसा हो जाएगा या फिर दिक्कत हो जाएगा। इसमें भी कुछ कंडीशन है, कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता है, जिस कारण से स्टेरिंग हम लोगों का फेल होता है। अधिकतर ये जल्दी फेल भी नहीं होता है, वो नजरअंदाज अगर करते हैं किसी चीज पे तभी ये चीज ऐसा होता है। ये रख रखाव जो बोला गया है वो हमारे नोटिफिकेशन में बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए, वो यही सब बातों के लिए बोला गया है कि आपका कभी ऐसा दिक्कत ना हो, आपको उसकी जानकारी और उसकी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, पकड़ जो है उसकी मजबूत होनी चाहिए। तो आज हम लोग यही जानेंगे कि स्टेरिंग फेल होने का कारण क्यों फेल होता है और फेल होगा तो क्या होगा, ये दोनों चीज इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे स्टेरिंग के बारे में। ठीक है, तो आप लोग जैसे हमारा पहले का वीडियो पे प्यार दिए दिखाए हैं तो वैसे ही प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, लाइक सभी लोग कीजिएगा क्योंकि आप ही लोग के लिए कहने पे ही हम वीडियो बना रहे हैं। अब इतना आप लोग समझिए, हम अपने मन से भी नहीं बना रहे, आप लोग जो डिमांड कर रहे हैं मैं वो बना के दे रहा हूं, सबका एक ना एक वीडियो मैंने बनाया है। तो आप लोग प्लीज कम से कम लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, सभी लोगों से मेरा ये उम्मीद है कि आप लोग कीजिएगा। तो स्टेरिंग फेल होने का कारण देखिए क्या है। स्टेरिंग व्हील मोड़ने वक्त आवाज करेगा, आवाज देने लगता है। ये हम बता रहे हैं कि कैसे पकड़ेंगे कि हम लोग का स्टेरिंग खराब हो गया है, स्टेरिंग व्हील जो है वो खराब हो गया। तो वो वाला व्हील नहीं है, ठीक है, ये क्या है, हाँ स्टीयरिंग व्हील जो चक्का टाइप का जो होता है जिसका हम लोग चलाते हैं, उसको अगर घुमाइएगा आप, मोड़िएगा तो उस वक्त आवाज करेगा नीचे से। जो देखिएगा स्टीयरिंग के नीचे ऐसे गया होगा एक लंबा सा पूरा, वो आवाज करने लगेगा। ठीक है, तो इससे आप लोग जानिएगा कि आपका स्टीयरिंग में दिक्कत आने लगा है जो आपका फेल के कगार पे ही है। फेल वैसा नहीं होता है कि पूरा फेल हो गया तो लड़ गया जाके, वैसा कुछ नहीं है। तो मुड़ने में आवाज करेगा तो ऐसे आप लोग पकड़िएगा। ठीक है, तो ये क्यों होता है, क्यों आवाज करता है, वो आवाज का जानिए क्या होता है। स्टेरिंग पंप का फेल होना, एक पंप लगा होता है स्टेरिंग में, वो पंप क्या होता है कि फेल हो जाता है, वो पंप ही फेल होता है, स्टेरिंग नहीं फेल होता, वो पंप फेल होता है जिस कारण आवाज देगा। वो जब घुमाइएगा तो जैसे पहले कैसे था, पावर स्टीयरिंग जल्दी घूमता है, ट्रक बस का पूरा हेवी घूमता था, ठीक वैसा ही ये हेवी हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो वही चीज है कि मोड़ने वक्त आवाज करेगा तो आवाज करेगा क्या, इसका पंप ही खराब हो गया तो आवाज तो जाहिर सी बात है करेगा, उसको उस मात्रा में तेल वगैरह जो है वो सब नहीं मिल पा रहा है तो ये फेल हो गया। समझ अगला, स्टेरिंग व्हील में वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन क्या होगा कि झटका हल्का हल्का, आप ऐसे गाड़ी चलाइएगा तो नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल आप जैसे दाएं बाएं काटिएगा वो कटेगा, उस समय क्या होगा कि वो वाइब्रेट करने लगेगा, हिलेगा आपका, जर्क करेगा। ठीक है, तो वही कारण होता है, वाइब्रेट होने लगता है जिससे आप समझ जाइए कि आपकी स्टेरिंग में दिक्कत है। ठीक है, तो कैसे होता है ये चीज, तो गाड़ी में ज्यादा दिन नहीं चलाने से क्या होता है कि जाम हो जाता है पंप पंप जो है ना, ये सब स्टीयरिंग पंप वगैरह। अगर बहुत दिन से खड़ा है आपकी गाड़ी, साल दो साल से खड़ा किए हुए हैं, चलाए ही नहीं है थोड़ा बहुत भी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये थोड़ा उसमें दिक्कत आ जाएगा जिससे वो वाइब्रेट होने लगेगा, उसका स्टीयरिंग हिलेगा। अगला, ड्राइव बेल्ट जो होता है वो खराब हो जाता है, रखे रखे देखते हैं टायर वायर भी रखे रखे फटने लगता है, दरार होने लगता है, ठीक वैसे ही ये भी होने लगेगा जिस कारण से आपका उतना मजबूती नहीं रहेगा, जिस कारण से ये होना तय हो जाता है। तो आप ये जान गए कि वाइब्रेशन भी करेगा, तब समझिए कि आपका ये दिक्कत होने लगा, फेल होने लगा है, और ये इसका उपाय है कि कैसे ये खराब होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हम लोग समझे। अब यहां जानिए कि क्या क्या दिक्कत होगा। हाँ, पहिया में मुड़ाने पर दिक्कत होगा, घुमाइएगा जब पहिया चक्का जब घूमेगा, स्टीयरिंग व्हील जो घुमाइएगा चक्का जब घूमने लगेगा तो क्या होगा कि एकदम जाम होके चलेगा, ऐसा नहीं है कि पूरा वो वहां पे जाम होने लगता है,
कड़ा घूमेगा। जब पावर स्टीयरिंग तो फ्री घूमता है, वो गाड़ी स्टार्ट करिएगा तो फ्री हो जाएगा, गाड़ी अगर बंद रहेगा तो वो हल्का टाइट होगा, और जैसे ही चाबी लगा गाड़ी स्टार्ट कीजिएगा स्टीयरिंग पूरा वो फ्री हो जाता है। तो वही है, मुड़ाने में दिक्कत होगा आगे। तो ये मुड़ाने में दिक्कत क्यों होगा, इसलिए कि इसमें तेल नहीं है। पहली बात कि गाड़ी में जो स्टीयरिंग वाल्व होता है वो स्टीयरिंग वाल्व नहीं है, या फिर चक्का में आपका हवा नहीं है जिस कारण से वो जाम होके मुड़ेगा, ठीक है, मुड़ाने में दिक्कत आएगा। ऐसा नहीं कि स्टीयरिंग ही खराब हो गया है, आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं कि हो सकता है कि वाइल खत्म हो गया है या लो हो गया है, कम हो गया है जिस कारण हो रहा है, या फिर गाड़ी के चक्का में हवा कम है जिस कारण से भी ये टाइट हो जाता है, जाम हो जाता है। इतना बात समझ में आगे। स्टीयरिंग व्हील में तेल का ना होना है, स्टीयरिंग व्हील में भी तेल होता है, डाला जाता है, जो तेल नहीं होगा ठीक है वो तेल खत्म, डाला कहाँ जाता है, वो बाहर जो डालिएगा स्टीयरिंग वाइल वही घूम के आता है, सब जगह जाता है ठीक है, तभी वो होता है। तो वो तेल क्या होगा कि वो पाइप अगर बीच में कहीं जाम हो जाएगा तो फिर भी क्या होगा कि स्टीयरिंग आपका हार्ड हो जाएगा, तो समझिए कि फेल हो गया है, और वो अगर तेल उसमें नहीं पहुंचेगा वहां पे, इस कारण से भी दिक्कत होता है। अगला, तेल का रंग लाल है या नहीं ये देखना है। जो हम लोग स्टीयरिंग वाइल डालते हैं वो लाल डालते हैं ठीक है, तो वो भी चेक कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि कचरा भी बहुत बार हो जाने के कारण उसमें काला काला धब्बा हो जाएगा, या फिर पानी उसमें घुस जाएगा। पानी भी देखे होंगे कभी कभी पानी ऊपर में तैरता रहता है जिस कारण से भी हार्ड कर देता है, पानी तो ऐसा चीज है कि वो हार्ड कर ही देगा, कहीं जंग लगने लगता है पानी से ठीक है, तो वो भी बचाना है, और यही देखना है कि वो लाल है कि नहीं। अगर लाल नहीं है तो आप उसको पूरा तेल को निकालिए, एक सूखा कपड़ा जो होता है उसे लेके पूरा उसका साफ कीजिए, और साफ करके तेल उसमें फिर से डालिए। यही सब रख रखाव है जो आप खुद से कर दीजिएगा, गाड़ी में जो भी काम वही रख रखाव होता है, उसकी जानकारी आपके पास है कि नहीं यही रख रखाव है ठीक है। तेल पाइप का जाम होना, यानी वही जो बाहर स्टीयरिंग वाइल का जो डब्बा हम लोग रखे हैं तेल डालते हैं हाई लो होता है, वो उसका पाइप जो है वो जाम हो गया, क्योंकि उसमें अगर कचरा भर गया तो वो कचरा पाइप के सहारे से जाएगा तो वो जाम कर देगा, जाम कर देगा तो जिस कारण आपकी स्टीयरिंग हार्ड हो जाएगी, तो वही हार्ड हो जाएगा तो फेल होगा। इसमें और वैसा कंडीशन नहीं होता है, ये थोड़ा टाइट घूमने लगेगा, जो पावर स्टीयरिंग होता है वो टाइट हो जाएगा, वही फेल होता है। इससे आप लोग कोई दुविधा में नहीं रहिएगा, इसको बढ़िया से एक बार समझ लीजिएगा कि कैसे कैसे है, एक बार नहीं दो बार आप पढ़िएगा समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या होता है, क्यों जाम होता है, एकदम आसान है। सबसे मुख्य बात जानिए ये चीज कि तेल नहीं होगा, तेल जहां जाता है वो पाइप जाम होगा या पाइप फट गया होगा, लीक हो रहा होगा, जिस कारण से तेल चढ़ता नहीं होगा हमारे स्टीयरिंग में, इसीलिए हवा कम होगा और स्टीयरिंग पंप फेल हो गया होगा जिस कारण से ये सब दिक्कत आता है। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आशा करते हैं कि आप आसानी से इसको समझ गए होंगे ठीक है। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक तो किया कीजिए, इतना वीडियो देख लेते हैं आप लोग लाइक नहीं करते हैं, एकदम दिल टूट जाता है अंदर से, समझे, आप लोग से एक मोहब्बत हो गया है, एक प्यार हो गया है जो आप लोग खातिर हमने इतना मेहनत करते हैं ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा प्यार दुलार दीजिए, और हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे ऐसे ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं आप लोग।